सागर मेंस वेयर एंड स्पोर्ट्स वेयर। हमारे यहाँ जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, डेनिम जैकेट्स, फॉर्मल पैंट्स, लोअर, गार्मेंट सहित गुणवत्तापूर्ण आकर्षक स्पोर्ट्स वेयर भी उपलब्ध है। हमारा पता सागर मेंस वेयर एंड स्पोर्ट्स वेयर, पुराने पुल के पास आर्मी रोड दिग्रस। प्रोप्राइटर मोहम्मद असगर शेख हैदर, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद असगर। मोबाइल क्रमांक 9175095758, 9175849318। हमारी प्रतिष्ठान सागर कलेक्शन, न्यू सागर कलेक्शन, सागर एंटरप्राइजेस, सागर बूट हाउस, रजा पान शॉप, रजा सुपर एंड कंपनी। गंदे पानी पर प्रक्रिया के लिए कथित तौर पर दिग्रस नगर पालिका ने 41 लाख की लागत वाले यंत्र को नदी किनारे लगाया था, जो अब दुरावस्था का शिकार हो चुका है। आशंका है कि योजना के नाम पर लापरवाह प्रशासन ने या तो भ्रष्टाचार किया है या फिर 41 लाख रुपए फूंक दिए हैं। पेशे दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर के आर्मी नाका के पुराने पुल के पास पुराने बैल बाजार के एक कोने में बदहाली का सफर शुरू कर चुकी लोहे से बनी भारी भरकम ये वस्तु आखिर क्या है? तो इस सवाल का घुमावदार जवाब ये हो सकता है कि ये जब यहाँ लाया गया था तब एक यंत्र यानी एक मशीन थी। फिलहाल इसे आप एक अजीब नमूना समझ सकते हैं, क्योंकि इस उपकरण के क्रियान्वयन के बारे में किसी के पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ये किस काम आता था कोई नहीं जानता, जिस वजह से लोगों में भी इस उपकरण पर खर्च किए गए लाखों रुपयों के कथित भ्रष्टाचार की आशंका है, जिसको लेकर आम नागरिकों में रोष नजर आ रहा है। मैं पंकज पाटिल, राहणार संभाजीनगर। इथं नदीच्या काठाला जे आहे कोणती व्यवस्था ठेवलेली आहे ती नगरपालिकेनं, ह्याच्यात जे दिलेले आहे त्याच्यात काय व्यवस्था आहे ते कोणालाच लक्षात येत नाही आहे। हे 41 लाख रुपये खर्च करून आणलेली योजना ही कोणती योजना आहे? हे अजून जे आता महापूर आलेला होता त्याच्यात पाण्याच्या टाक्या वाहून गेलेल्या आहे। आपको बता दें कि एनबीसी न्यूज चैनल ने 18 जनवरी 2023 को इस बारे में खबर भी जारी की थी। तत्कालीन पालिका प्रशासक से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया था कि प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के तहत इसके निर्माण और इंस्टॉलेशन का ठेका पुणे की आइडियल सिस्टम्स एंड सर्विसेज नामक कंपनी को दिया गया था, जिसमें 41 लाख रुपये खर्च किए गए थे। तब से लेकर अब तक ये पता नहीं चला कि इस उपकरण की उपयोगिता सिद्ध क्यों नहीं हो सकी, यह यंत्र क्या काम आया और इससे क्या काम लिया जा सकता था। वैसे ये उपकरण शुरू से ही बंद है, या यूं कहें कि कभी शुरू ही नहीं हुआ था। वैसे इस उपकरण को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी पालिका प्रशासन की थी, जो कि पालिका ने कभी नहीं निभाई। कुल मिलाकर बात यह है कि जनहित और जन सुविधा के नाम पर लाखों रुपयों को धुएं में या तो उड़ा दिया गया है या फिर इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। एक तरह से बंद पड़े यह उपकरण शासन प्रशासन में शामिल उन शातिर खिलाड़ियों के खिलौने हैं जो विकास के नाम पर जनता को ठगने में माहिर है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।